कुख्यात अपराधी मुकीम कालिया ने कारोबारी से मांगी 50 लाख की रंगदारी। खुलेआम फोन पर कुख्यात अपराधी मुकीम कालिया दे रहा लाला को हत्या करने की धमकी, ऑडियो वायरल। मुख्यमंत्री योगी राज में कुख्यात अपराधियों भूमाफियाओं के हौसले कितने बुलंद है, इस बात का अंदाजा आप इस वायरल ऑडियो से लगा सकते हैं। मामला मुरादाबाद थाने के सिविल लाइन क्षेत्र के काजीपुरा में रहने वाले मुकीम उर्फ मुकीम कालिया से जुड़ा है। वह एक कुख्यात अपराधी बताया जा रहा है जिसने कटघर मुरादाबाद क्षेत्र के रहने वाले एक कारोबारी की जमीन पर फर्जी बयानामे अपने गैंग के लोगों से बनवा कर पुलिस के संरक्षण में अवैध रूप से कब्जा कर लिया। पीड़ित ने थाना सिविल क्षेत्र की पुलिस से गुहार लगाई तो पुलिस ने कोई मदद करने से साफ इनकार कर दिया। अब करोड़ों रुपए की इस संपत्ति को छोड़ने के बदले वह कारोबारी लाला ओम प्रकाश से 50 लाख रुपए की खुलेआम डिमांड कर रहा है। ना देने पर, लाला को मिल जाने पर हत्या करने की धमकी फोन पर दे रहा है। इस पूरे प्रकरण की शिकायत लाला ओम प्रकाश अग्रवाल की पत्नी लता अग्रवाल ने प्रमुख सचिव गृह उत्तर प्रदेश व एसपी मुरादाबाद प्रभाकर चौधरी से लिखित शिकायत की है। छानबीन करने पर संज्ञान में आया कि मुकीम कालिया पेशेवर अपराधी है। लूट, चोरी, डकैती, चेन स्नैचिंग के साथ गरीब मजलूम लोगों की जमीनों पर कब्जा करना उसका मुख्य पेशा है। मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन में मुकीम कालिया पर 4 आपराधिक मामले भी दर्ज बताए जा रहे हैं, जिनमें से 2 मामले फर्जी बयानामे कराकर जमीन हड़पने के हैं। इसके अतिरिक्त मुकीम कालिया पर तेलंगाना के जिला संगारेड्डी के थाना रामचंद्रपुरम से 50,000 रुपए का इनाम घोषित भी बताया जा रहा है। वह मुरादाबाद में थाना सिविल लाइन पुलिस के संरक्षण में मुरादाबाद में जमीनों पर अवैध कब्जे कर रहा है। इतना ही नहीं, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड के हरिद्वार, देहरादून के जिलों में कई आपराधिक मामले इसके खिलाफ दर्ज बताए जा रहे हैं। इतना खूंखार कुख्यात अपराधी थाना सिविल लाइन पुलिस की गिरफ्त से कैसे अभी तक दूर है, ये एक बड़ा सवाल है। पुलिस ने इसके विरुद्ध अब तक कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या पुलिस मुकीम कालिया को कानपुर में मारे गए कुख्यात अपराधी विकास दुबे की तर्ज अपराध और जमीनों पर कब्जा करने की खुली छूट दे रही है? क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश। क्या मामला है आपका मुकीम कालिया से? मुकीम कालिया ने हमारी जमीनों पे कब्जा कर रखा है और हमें वो धमकी देता है, बहुत मोटे पैसों की 50-50 लाख तक की डिमांड करता है वो हमसे, और कई मुकदमे फजील लिखता रहता है वो, और हमारी ज़मीन पे हर समय रात दिन वहीं पर रहता है, और उसके साथ में 15-20 लोग गुंडे और ऐसे सामने हमेशा रहते हैं, हमेशा। कभी भी ये मेरी ज़मीन अगवान तो में है, बिजली घर के सामने घाट रोड पे, और इसमें एक तो खसरा नंबर 1950 है जिसके 2 बनामे फजी हुए हैं। एक खसरा नंबर 1915 है जो मैंने बहीज से खरीदी थी, उसको भी फर्जी तरीके से इसने कब्जा कर रखा है, और इसके साथ में और बहुत बड़ा गैंग है, उनके साथ में ये सब जो है खापाते खाता रहता है, और मैं अपने भट्टे पे जाने तक से इसने वो रखा है। मैं भट्टे पे जाऊँ तो मैं अपनी जान से जाने का खतरा है। मैं कोई सिक्योरिटी नहीं दे रही। थाना सिविल लाइन में से हमने कई बार शिकायत करी, हमारी सुनवाई नहीं होती। पुलिसों की अगवानपुर भी हमने कई बार शिकायत कर चुकी है, वहाँ भी खास सुनवाई नहीं हो पाती, मतलब ये है। और हमें कोई रिलीफ जो है इसकी तरफ से और कोई सिक्योरिटी हमें पुलिस ने इसकी तरफ से नहीं दी है। हम अपने घर बैठने को मजबूर हैं, नहीं कि आ सकते ना कि जा सकते हमने, और इसके लिए बहुत परेशान है। आप पूरा परिवार बहुत परेशान है इस बात से। एसएसपी मुरादाबाद से आप मिले? और एसएसपी परिवार से भी मिले थे हम, पहले वालों से मिले थे हम, नए वालों से अभी मुलाकात नहीं हुई है, अभी उनसे ही मिलेंगे और आश्वासन देते हैं, होता कुछ नहीं है।